जिला कांग्रेस के तत्वाधान में पुतला दहन किया गया। इसमें जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पंकज शुक्ला और युवाओं के प्रिय नेता जय सक्सेना शामिल रहे। जय सक्सेना ने बताया कि आज महंगाई अपने चरम स्तर पर पहुंच चुकी है। आम लोगों को जीवन यापन करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, इसलिए आज हम महंगाई का पुतला दहन कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से सौरभ भटनागर की रिपोर्ट। आज शहर कांग्रेस और हमारे कांग्रेस के अनुसांगिक संगठन युवक कांग्रेस NSCI के सभी युवा साथी और हमारे सभी कांग्रेस शहर कांग्रेस के पदाधिकारी हमारे सभी वरिष्ठ जनों के साथ आज हमने महंगाई के विरोध में, पेट्रोल डीजल वृद्धि के विरोध में और जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने टैक्स कम करने को बोला था पेट्रोल डीजल में, वो जो उन्होंने कम नहीं किया है उसके विरोध में, खाद्य तेलों के विरोध में और बढ़ती अराजकता और महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में आज शिवराज सिंह चौहान जी का पुतला आज हम सभी कांग्रेस जनों ने मिलकर जलाया। ये पुतला जलाना इस ओर इंगित करता है कि आने वाला समय हम कांग्रेस जन इत्मीनान से बैठकर नहीं सहेंगे। जो जनता और जनहित के कामों में बाधा डालेगा, जो उसके लिए काम नहीं करेगा, उसका हम उग्र आंदोलन से विरोध करेंगे। और आने वाले समय में लगातार महंगाई के लिए जो केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर महंगाई बढ़ाई है, उस संबंध में जनता को जो आघात हुआ है उसका हम विरोध करते रहेंगे जब तक ये पेट्रोल डीजल और अन्य जनउपयोगी चीज़ों में अपनी कीमतें नहीं घटाते। हमारा आंदोलन उग्र रूप ले सकता है, आगे चल के हम उग्र प्रदर्शन करेंगे।